हाय स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने पढ़ा कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे और उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। दो कंपाउंड सेम फॉर्मूला दिखाएंगे लेकिन उनके स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा। रीजन हमने बताया था कि कार्बन की चेन चेंज हो जाए, या ईन और आइन अपना पोजीशन चेंज कर दे, या फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए, या उनके साथ प्रोटॉन जो जुड़ा हो वह स्टेबिलिटी के लिए शिफ्ट हो जाए। बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है और इन सभी को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में काउंट करते हैं। आज हम एक न्यू टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, जिसमें कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होंगे वो सेम होंगे और उनके स्ट्रक्चर भी सेम होंगे। यहां पर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट। यहां पर कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर भी सेम, तो ऐसे में तो कंपाउंड ही सेम हो जाएगा। हर एक कंपाउंड की ज्योमेट्री होती है, जिसके साथ कोई हाइड्रोजन या कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है वह थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री दिखाता है, तो उसका जो स्पेस में अरेंजमेंट है वह अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाए। इसीलिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म को स्पेशियल अरेंजमेंट की वजह से हम स्पेस आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आज हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझेंगे जिसके थ्रू हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म अच्छे से समझ में आ जाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और इसका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, लेकिन जो ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल होगी वह डिफरेंट होगी। इसके लिए हमें बहुत सारे टर्म्स को समझना है। चलिए हम समझते हैं। स्टूडेंट, यहां सेम ग्रुप सेम साइड है, इसको हम कहते हैं सिस। यहां अलग अलग ग्रुप सेम साइड दिख रहे हैं तो इसको हम कहते हैं ट्रांस। इस आइसोमेरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, लेकिन अभी हमने ऐसे एग्जांपल लिए ही नहीं कि आपको समझ में आए। हम आपको यह बताना चाहते थे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक और नाम है जिसका नाम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। C4H8, हमने 2-butene या हम ब्यूटीन को ले लिए। यह सिस फॉर्म है, यह ट्रांस फॉर्म है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 है, आप काउंट कर सकते हैं। चलिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CH3 CH
डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड CH3, यह इसका स्ट्रक्चर हुआ। चलिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड CH3, दोनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी सेम है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। इसी फिनोमिनन को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। यहां सेम ग्रुप सेम साइड है और यहां ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो ग्रुप के अरेंजमेंट के डिफरेंस होने की वजह से ही इनकी ज्योमेट्री डिफरेंट हो जाती है। लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारे चीजों को और समझना है ताकि हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अच्छे से समझ में आए। स्टूडेंट, अगर मैं इस हाइड्रोजन को मार्क करता हूं, इसके साथ हम किसी एक ग्रुप को और मार्क कर लेते हैं, सपोज दैट इस हाइड्रोजन को मार्क किया, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम एरियल डिस्टेंस कहते हैं। सपोज दैट इनके बीच का जो एरियल डिस्टेंस है वो क्या है, L1 है। इसमें देखिए, यह हाइड्रोजन को मार्क किए थे आपने, इस हाइड्रोजन को आपने मार्क किया था। यहां पर जिन ग्रुप को आपने मार्क किया था उन्हीं ग्रुप के बीच का आपको आगे डिस्टेंस देखना है। सपोज दैट आप यहां CH3 मार्क किए होते तो फिर आपको यहां पर CH3 देखना होता। सपोज दैट आपने H और CH3 को मार्क किया होता तो अगले स्ट्रक्चर में आपको H और CH3 ही देखना है। तो यहां इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L2, तो इन दोनों के बीच का जो एरियल डिस्टेंस है वो चेंज हो गया। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो ग्रुप है उनके बीच का एरियल डिस्टेंस चेंज होना चाहिए, तो वही कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। अल्केन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं दिखा सकता, ओनली अल्कीन ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों दिखाता है, इस बात को हम समझते हैं। यह हमारा 1,2 डायक्लोरोइथेन है। यह भी हमारा 1,2 डायक्लोरोइथेन है। स्टूडेंट, इनके बीच का जो एरियल डिस्टेंस है L1 है, इनके बीच का जो एरियल डिस्टेंस है यह L2 है। यह अल्कीन है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता, भले ही इनके बीच का एरियल डिस्टेंस डिफरेंस हो जाए, क्योंकि ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है यह रोटेट हो जाता है। इन आइसोमर को हम कन्फर्मर्स कह सकते हैं, ना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कह सकते हैं, भले ही एरियल डिस्टेंस इनके बीच का डिफरेंट क्यों ना हो। चलिए हम आगे समझते हैं कि अल्कीन में ऐसा कुछ क्या होता है जो कि वह ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। सपोज दैट इनके बीच का एरियल डिस्टेंस L1 है, इनके बीच का एरियल डिस्टेंस L2 है। स्टूडेंट, ये जो डबल बॉन्ड लगने की वजह से यह कार्बन रोटेट नहीं हो सकता है, यह कार्बन अब घूम नहीं सकता है, इसके रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है डबल बॉन्ड ने। अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो बीच का पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होना भी चाहिए। एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होने के साथ साथ उनके जो रोटेशन है, रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन भी होना जरूरी है। होप आपको समझ में आ गया होगा कि अल्कीन में एरियल डिस्टेंस तो डिफरेंट हो रहा है, लेकिन इसका रोटेशन जो है वह नहीं रुक रहा है, वह बार बार रोटेट होता रहेगा, जिसकी वजह से हम उस आइसोमर्स को कन्फर्मर्स कहते हैं। और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं क्योंकि इनके वाइब्रेशन को इस डबल बॉन्ड ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया।